का टॉपिक थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, जिसके पार्ट नंबर 7 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 तक हमने कर लिया, और थर्मोडायनेमिक के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जूल का नियम। इसके आधार पर हम जूल थॉमसन प्रभाव को भी पढ़ेंगे, और इस नियम के आधार पर जूल थॉमसन गुणांक का मान भी ज्ञात किया जाता है। इसके अंदर जूल के नियम या जूल थॉमसन प्रभाव के अकॉर्डिंग इसे शीतलन का प्रभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, तो इसे शीतलन का नियम भी कह सकते हैं। जूल का नियम, जिसको हम एक डायग्राम के रूप करेंगे, ये बड़ा सा बादल लिया हमने, जिसके अंदर बल्ब ए ऐसा यहाँ ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन
वहां सामने से कुछ दा भी नहीं डल रहा, क्योंकि वी वर्ब जो है वो निर्वर्ब में है, वो क्यों में है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आसानी से ए से बी की तरफ आसानी से क्या जा सकती है, वो गैस जा सकती है, तो गैस का मुख्य प्रसार हो सकता है। तो कॉन्स्टेंट है, तो dt का मान क्या रहेगा?
या उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रसारित होने देंगे। तो जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होने देते हैं तो एक छोटे से छिद्र में से गैस का क्या होता है, प्रसार होता है और उससे टेम्परेचर के मान में क्या जाती है, कमी। और टेम्परेचर के मान में कमी आ जाती है या फिर कहते हैं शीतलन हो जाता है, तो उसे बोला जाता है जूल मोसर प्रभाव। और इसके लिए जैसे हाइड्रोजन ले लें हम और हीलियम ले लें, इनके लिए टेम्परेचर का जो मान होता है न्यूनतम टेम्परेचर का मान हाइड्रोजन के लिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मान होता है, और जो हमारे पास में हीलियम है उसके लिए होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जो जूल थॉमसन प्रभाव जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करती है, जब वो गैस एक छोटे से छिद्र में से प्रसारित होती है तो उसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है, उसका शीतलन हो जाता है, उसे बोलते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। ये भी इस नियम से संबंधित था, जूल के नियम से संबंधित था। और साथ में इससे हम एक जूल थॉमसन गुणांक भी निकालते हैं। तो जूल थॉमसन प्रभाव के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है और जूल थॉमसन गुणांक भी कई बार पूछा हुआ है। तो आता है जूल थॉमसन गुणांक, टेम्परेचर में प्रेशर की गणना है, टेम्परेचर में प्रेशर का इक्वेशन दो का आकलन करने पर
किसके बराबर होती है? सीपी के बराबर। स्पिरिट दाब पर ऊष्मा लगता ये किसके बराबर होती है? सीपी जिसको बोला जाता है स्थिर दाब पर ऊष्मा लगता। ये हम कर चुके हैं पहले। स्थिर दाब पर ऊष्मा लगता क्या होती है? जिसे हमने सीपी से शो किया है तो वी एच बराबर क्या रहेगा? Thank you.
India doping, negative jewel thumbs in lab, wasting complete